वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञान वर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको आज के दैनिक पंचांग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज दिनांक 7 नवंबर 2020 दिन शनिवार। शनिवार भगवान हनुमान और शनि देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर शनिदेव और हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। आज कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि होगी सुबह 7:25 तक। सूर्योदय सुबह 6:01 और सूर्यास्त शाम 5:04। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 10:28 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे सुबह 11:38 पे। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में। यह शरद ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 8:05 तक। दिशाशूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तेल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन हनुमान जी का और शनि देव का दिन माना गया है। आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पीपल के वृक्ष में तिल और गुड़ मिश्रित जल डाले तो यह अनंत पुण्यदायक और लाभकारी होगा, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इससे शनि देव भी अति प्रसन्न होते हैं, भक्तों के सभी कष्ट को दूर करते हैं। आज के दिन शनि देव के मंदिर में सरसों का तेल दान करें और दीपक जलाएं और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा सुंदर कांड आदि का पाठ करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान हनुमान बुद्धि के दाता माने गए हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी का पूजा और आराधना करते हैं तो हनुमान जी उनको बुद्धि प्रदान करते हैं, उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन हनुमान जी का पूजन करें और शनि देव का तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:10 से सुबह 11:54 तक और गुली कालम समय होगा सुबह 6:01 से सुबह 7:24 तक। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 8:47 से सुबह 10:10 तक। यह विक्रम संवत 2077 प्रमादी है और शक संवत 1942 सरवरी। तो यह जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।